डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर एंटमोलॉजी का एक और नया टॉपिक आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट, जिसमें सेकंड पार्ट है आपका फिजिकल एंड मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट एंड इंसेक्ट। फर्स्ट में फिजिकल कंट्रोल आपका क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स चेंज इन फिजिकल फैक्टर टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट। दीज मेथड्स आर, फर्स्ट मेथड आपका हाई टेम्परेचर इज यूज टू किल द इंसेक्ट्स विच डैमेज फर्नीचर, बेडिंग, क्लोथिंग। जनरली हमारे इस प्रकार के चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए जो है हम हाई टेम्परेचर यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स पेस्ट आर किल्ड बाय 3 to 4 hours एक्सपोजर ऑफ सीड्स टू 125 to 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से जो है हम आपके सीड्स को स्टोर कर सकते हैं 125 to 130 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ले जा करके। सेकेंड है आपका कोल्ड ट्रीटमेंट जो आपका ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। नॉर्मली 40 डिग्री जो फॉरन हाइट होता है, उससे बिलो अगर आपका टेम्परेचर जाए तो इंसेक्ट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। थर्ड वन आपका मॉइस्चर, इसमें जनरली बताया गया है, देखिए इफ़ ग्रेन्स आर ड्राइड वेल बिफोर स्टोरिंग, अगर हम जो आपके ग्रेन्स हैं आपके खेतों से निकल के आते हैं, अगर उन्हें अच्छे तरीके से सुखाएँ तो वहाँ पर इंसेक्ट जो डैमेज है आपका, उनसे जो इंसेक्ट उनको डैमेज करते हैं, उसका रेट काफ़ी कम हो सकता है। देन नेक्स्ट वन है आपका लाइट, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लाइट, जनरली ब्लू लाइट की तरफ जो आपके इंसेक्ट आपके अट्रैक्ट होते हैं, और उन्हें अट्रैक्ट करके हम लाइट से उन्हें कैप्चर भी कर सकते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ हाई वोल्टेज टू इन्फेस्टेड सीरियल्स एंड ग्रेन्स आल्सो हेल्प टू रिमूव इंसेक्ट पेस्ट। हम ज़्यादा आपका करंट सप्लाई करके आपके स्टोर्ड ग्रेन्स वगैरह में जो है आपके इंसेक्ट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इस रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हम यूज करके जो आपके मेल फीमेल जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें हम स्टरलाइज करते हैं, ताकि उनके जो गोनेट्स हैं वो आपके इमेच्योर रह जाएं और वहाँ पर जो है उनकी पॉपुलेशन आपकी जो है कंट्रोल हो जाए। तो इसमें जनरली है, लेकिन इस मेथड को जो है आपके बड़े एक्सपर्ट जो लोग होते हैं वो आपका जो है फुलफिल करते हैं। देन सेकेंड है आपके मैकेनिकल कंट्रोल है आपका, इन मेथड्स के अंदर हम जो आपका मैकेनिकली जो आपके मेथड्स होंगे, जैसे हैंड पिकिंग है आपका, जेरिंग वगैरह जो आपके नेटिंग बैगिंग वगैरह जो है, इन प्रकार का हम जो है आपका कलेक्शन करते हैं। जनरली आप देखेंगे मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर सबसे पहले आपका आ रहा है हैंड पिकिंग का। दिस मेथड इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ अडल्ट एग्स मैनुअली, जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं जनरली हमें दिखाई देते हैं, उन्हें हम आपके इन्फेस्टेड प्लांट से जो है जनरली आपका मैन्युअली कलेक्ट कर सकते हैं, हाथों से पकड़ सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। जनरली जिनके जो ग्रब्स होते हैं, जो लार्वल फॉर्म होती है, उन्हें भी हम आपका किल कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका जेरिंग, जनरली हम देखते हैं कुछ जो आपके फ्रूट्स प्लांट्स होते हैं, जैसे सीट्रस प्लांट्स होते हैं, इनके ऊपर जो है रात को जो है आपके इंसेक्ट आकर के वहाँ पर स्टे करते हैं, तो सुबह सुबह जो वो इनएक्टिव मोड में होते हैं, हम ऐसे में जो कहें आपके पौधे को हिला करके ऐसे इंसेक्ट्स को नीचे डाल सकते हैं, और उन्हें जग जो आपको होते हैं, उन्हें आपके जार वगैरह जो होते हैं उनके अंदर हम उनको आपका ट्रैप कर सकते हैं, इसे हम आपका जेरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आपका नेटिंग एंड बैगिंग, जो आपके फ्रूट प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर जो अनराइपेंड जो आपके आपके फ्रूट्स होते हैं, उनको जो आपके इंसेक्ट्स वगैरह या दूसरे जो बर्ड्स वगैरह वो भी आपको नुकसान पहुंचाते हैं, तो अनराइपेंड जो आपके होते हैं उन्हें हम आपका जो है आपका नेटिंग या बैगिंग आपका जो है नेट लगा करके और बैग आपको बना करके, इस प्रकार जैसे ग्रास ऊपर को, रेड पेम्पकिन बीटल को, राइस बक्कोन को हम आपको वहाँ से आपका कलेक्ट कर सकते हैं नेट वगैरह लगा करके। नेक्स्ट है आपका सीविंग एंड विनोइंग, देखिए यह बहुत पुराना आपका तरीका है। इंसेक्ट कैन बी रिमूव बाय द सेपरेशन जाली, देखिए इसमें बताया गया है जैसे छलनी जो होती है उसमें हम जो है आपके ग्रेन्स को, जैसे गेहूं है आपके दूसरे जो सीरियल्स हैं उनको जो है वहाँ पर आपका छान करके हमसे जो है आपके चीज़ों को अलग कर सकते हैं। सेकंड आपका विनोइंग, ये भी पुराना मेथड है, जैसे खेतों में जिस तरफ आपकी हवा चलती है, हवा के रुख के हिसाब से जो है हम आपके गेहूं को, हिंदी में हम इसको बोलते हैं जैसे कि बरसाना, कि भाई गेहूँ को हम बरसाते हैं, तो आप कभी कभार जो है हवा नहीं चलती तो हम पंखा लगा करके भी जो है उसमें से इंसेक्ट वगैरह को उनको आपका अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका बीटिंग एंड हुकिंग, जो आपकी फ्लाईज होती हैं उन्हें हम आपका चेक कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ द फ्लाई फ्लैपर्स, जो आपके फ्लाई फ्लैपर्स आते हैं कि आपके मैकेनिकली आपके एक टूल्स होता है उसे हम आपका यूज कर सकते हैं। आपका जैसे एग्जांपल दिया है आपका राइनोसेरस जो बीटल है कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम होल्स ऑफ द कोकोनट पाम्स, इस तरीके से जो है यानी कि बीट उन्हें
भगा सकते हैं बाय हुकिंग एंड बीटिंग, किसी भी आपके जो प्लांट्स होते हैं उन्हें वहाँ पर उनको नॉक करके जो है वहाँ से उन्हें हम वहाँ पर आपको भगा सकते हैं बीटिंग। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल एक्सक्लूजन। ये जो मेथड है इसमें आपके कुछ स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट, द फील्ड शुड बी ट्रेंच बाई 45 सेंटीमीटर हाई बैरियर्स टू सेव क्रॉप्स फ्रॉम द हैरी कैटरपिलर्स। जैसे हम देखते हैं खेतों में आपका हैरो चलता है, जब हम सीड बोते हैं तो एक उसमें आपके पौधे के बीचों बीच जो है आपकी मिट्टी की जो है आपकी आपकी एक सतह ऊपर तक आपकी बन जाती है, जैसे आपके जो फ्रूट्स या फिर आपके वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए किया जाता है कि आपके थोड़े थोड़े जो है मिट्टी के टीले वहाँ पर आपके बनाए जाए ताकि आपके इंसेक्ट वहाँ तक ना पहुँच पाए। अनराइपेंड फ्रूट जो है हम आपके सेव किए सकते हैं बाई कवरिंग दैम क्लॉथ और योर बटर पेपर। नेक्स्ट आपका स्टोरिंग प्लेसेस सच एज गोडाउन्स और जो वेयर हाउसेज है उन्हें हम आपका स्क्रीन कर दें, यानी कि आपका ऐसे जो जाली वगैरह लगा करके उन्हें वहाँ पर का कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मैकेनिकल ट्रैप्स। मैकेनिकल ट्रैप्स के अंदर आपका इलेक्ट्रिक ट्रैप आता है, लाइट ट्रैप आता है और आपका एयर सक्शन ट्रैप आप आते हैं। इनको हम यूज करके आपके जो है अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिकली लाइट से और आपका एयर सक्शन से जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स को हम कैच कर सकते हैं और उन्हें हम किल कर सकते हैं। तो ये था आज के आपके टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स। थैंक यू।